मूवी की स्टार्ट में हम ईयर 1963 को देखते हैं जहाँ पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। अब वहां पर हम एक बॉल देखते हैं जिस पर काफी सारी बटरफ्लाईज होती है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक लड़की को एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं। वो देखती है कि उसके रूम में कुछ फुटप्रिंट्स बन रहे होते हैं जबकि उस रूम में उसके अलावा और कोई भी नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा डर जाती है। अब जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, फिर अचानक से कोई उसे पीछे से खींचकर अंदर ले जाता है। अब मूवी प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एम्बर, और यही इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। एम्बर अभी अभी अमेरिका में न्यू शिफ्ट हुई थी और अभी उसके पास यहाँ की आईडी भी नहीं होती है, इसलिए उसे होटल में रूम भी नहीं मिलता। एम्बर यहाँ पर एक फैक्ट्री में वर्क करा करती थी और उन्हीं पैसों से वो अपना खर्चा चलाती थी। अब वहां पर एम्बर को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है एक होम के बारे में जो कि काफी कम रेंट पर अवेलेबल था और वहां सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड थी। ये देखकर एम्बर काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे एम्बर उस होम के एड्रेस पर जाती है, वहां उसकी मुलाकात रेड से होती है जो कि इस बिल्डिंग का ओनर होता है, और ये वही जगह होती है जो स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है। अब वो एम्बर को घर दिखाता है और एम्बर उससे पूछती है कि यहाँ पर कौन रहता है। वो बोलता है उसके अलावा यहाँ पर एक लड़की और रहती है ठीक उसके रूम के सामने, एंड उसे वो एक मंथ का एडवांस रेंट एज अ डिपॉजिट ले लेता है। एंड एम्बर को बोलता है कि उसे यहाँ पर रात को जल्दी आना होगा और यहाँ पर ड्रिंक्स या स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। एम्बर की मजबूरी के कारण वो ये सारी बातें मान लेती है एंड वहां पर शिफ्ट हो जाती है। अब रात को एम्बर अपने रूम में होती है तभी उसे वहां पर एक विंडो दिखाई देती है जिसका रास्ता ठीक बेसमेंट में जा रहा होता है। अब एम्बर को इस विंडो से कुछ वुमेन्स के चिल्लाने की आवाज आती है और एम्बर इस बारे में काफी सोचती भी है, बट इस बारे में एम्बर क्या कर सकती थी क्योंकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व कर पाई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम्बर की मॉम की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए एम्बर अमेरिका में शिफ्ट होकर पैसे कमा रही है ताकि वो अपनी मॉम का बेटर ट्रीटमेंट करा सके। अब नेक्स्ट डे एम्बर उस गर्ल को मिलती है जो कि बिल्डिंग में उसके साथ रहती थी, और वो लड़की एम्बर को बोलती है कि रेड एक बुरा आदमी है और वहां से चली जाती है। हालांकि एम्बर इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने जॉब पर चली जाती है। अब वहां पर एम्बर की फ्रेंड उसे बोलती है कि आईडी बनाने के लिए एम्बर को $3,000 देने होंगे क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है, इसलिए ये सुनकर एम्बर स्ट्रेस में आ जाती है। अब उस रात वो अपने अंकल के घर जाती है और वहां अंकल उसे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर अपनी आईडी के साथ आए ताकि उसके अंकल उसे यहाँ एक अच्छी सी जॉब दिलवा सके, बट उन्हें क्या पता था कि एम्बर के पास अभी आईडी ही नहीं है। अब रात को एम्बर अपने रूम में लौटती है तो वहां पर उसे वही बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। अब वो ये देखने के लिए उस बेसमेंट में जब जाने की कोशिश करती है तभी वहां पर रेड आ जाता है और एम्बर से बोलता है कि बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है। अब एम्बर की नजर एक पास के रूम पर पड़ती है जिसमें काफी सारी वियर्ड चीजें रखी थी और रेड उसे बोलता है कि ये भी प्राइवेट है और यहाँ भी जाना मना है। दोस्तों ये वही रूम होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में हमें काफी सारी बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं। अब एम्बर रेड से उसका डिपॉजिट वापस मांगती है ये कहकर कि जितने दिन वो यहाँ रुकी थी उसके पैसे वो काट कर उसे अपना डिपॉजिट लौटाते, बट रेड उसे बोलता है कि वो डिपॉजिट उससे खर्च हो गया है। एम्बर उस गर्ल के रूम में जाती है तो वहां पर एक लेडी की स्पिरिट उसे दिखाई देती है और जिसकी आंखें चमक रही होती है, ये देख करके एम्बर थोड़ा डर जाती है बट वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे एम्बर अपने बॉस से कुछ एडवांस मनी मांगती है बट वो उसे ये बोल करके मना कर देता है कि एम्बर काफी धीरे काम करती है और उसे पैकेजिंग के काम में लगा देता है। अब रात को एम्बर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में बैठी होती है और वो उसे सारे पैसे दे देती है और बोलती है कि प्लीज वो उसकी आईडी का काम जल्दी करवा दे। अब एम्बर अपने रूम पर वापस आ जाती है, वहां पर वो एक अजीब आदमी को देखती है जो कि अपने हेड को एक वॉल पर मार रहा होता है। एम्बर उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब वो वहां पर दो न्यू गर्ल्स को देखती है जो कि काफी अच्छी होती है, एंड अब वो वहां पर स्मोक करने लगते हैं तभी रेड वहां पर आ जाता है एंड वो उन सबको वहां से भगा देता है। अब एम्बर उसे पूछती है कि यहाँ पर तो सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड है, बट उसने यहाँ पर एक आदमी को देखा था जो कि कुछ वियर्ड था। तब रेड उसे बताता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रेड का भाई है जो कि थोड़ा पागल है, इसलिए वो कभी कभी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। अब नेक्स्ट डे एम्बर अपने जॉब पर चली जाती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड जिसने उससे पैसे लिए थे वो यहाँ पर आई नहीं है, और जब वो उसे कॉल करती है तो वो उसे उसका कॉल भी पिक नहीं करती। अब वो उसके लिए अपने बॉस से पूछती है तो वो बोलता है कि वो लड़की तो जॉब छोड़ करके चली गई है। तभी एम्बर समझ जाती है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं थी बल्कि उसे एक धोखा देकर के उसके पैसे लेकर भाग गई है। अब एम्बर अपने रूम पर वापस आ जाती है तो उसे वापस वही आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। वो रेड से पूछती है कि वो लड़की कहाँ गई जो उसके सामने वाले रूम में रहती थी, तो रेड उसे बोलता है कि वो लड़की कल ही यहाँ से चले गई। अब एम्बर को रात को वहां पर एक लड़की की सोल दिखती है जो कि एम्बर से हेल्प मांग रही होती है, बट तभी उस लड़की को रूम में खींचकर ले जाता है। अब एम्बर समझ जाती है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं और वो डरकर अपना सामान पैक करने लगती है और रेड से उसका डिपॉजिट लेने जाती है, बट वहां पर रेड नहीं उसका भाई उसे मिलता है और वो उसे बोलता है कि रेड यहाँ पर नहीं है। फिर एम्बर वहां से चली जाती है
और इसके बाद वो काफी सारी होटल्स को देखती है, बट उसके पास में इतने पैसे नहीं होते इसलिए उसे किसी भी जगह पे रेंट नहीं मिलता। एम्बर रेड को कॉल करती है एंड उसे अपने डिपॉजिट वापस मांगती है। फिर वो एक कैफे में चली जाती है एंड वहां पर रेड भी आ जाता है और वो एम्बर को थोड़े पैसे दे देता है, बोलता है कि बाकी पैसे होटल पर है तो वो वहां आकर के उसे ले ले। और वो अब एम्बर को अपने साथ हॉन्टेड होटल में ले जाता है। अब वहां आने पर रेड उसे बोलता है कि पैसे उसके रूम में रखे हैं, तो वो वहां जाकर जब देखती है तो वहां पे कोई पैसे नहीं रखे होते। तभी रेड वहां पर आ जाता है और वो एम्बर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे जबरन वाइन पिलाने की कोशिश करता है, बट एम्बर उसे बहुत रेजिस्ट करती है। तभी वहां पर रेड का भाई आ जाता है और वो एम्बर को जबरन वाइन पिला देता है। यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब एम्बर उन दोनों लड़कियों के साथ में एक रूम में सो जाती है और वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। अब वो दोनों गर्ल्स एम्बर को बताती हैं कि उनको इस होटल में काफी बुरे सपने आते हैं, जिसमें उनको एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है और साथ ही उनका बीमार भाई भी। अब एम्बर उन्हें बोलती है कि कुछ ऐसा ही उसके ड्रीम्स में भी हो रहा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उन तीनों के ड्रीम्स आपस में कनेक्ट है और ये सब कुछ उस मिस्टीरियस बॉक्स के कारण ही हो रहा है। अब उसी रात एम्बर को उसके अंकल ढूंढते हुए होटल में आते हैं और वो रेड से पूछते हैं कि एम्बर यहाँ रहती है, तो रेड उन्हें साफ साफ मना कर देता है, बट वो रेड को बोलते हैं कि एम्बर यहीं रहती है क्योंकि उसने ये एड्रेस बिल्कुल सही दिया था, और वो रेड को पुश करके अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक गेट के पीछे एम्बर लॉक मिलती है और जब वो एम्बर को बचाने जाते हैं तभी रेड का भाई वहां पर आ जाता है एंड वो उसके अंकल पर अटैक करके उसे मार देता है। अब वो एम्बर और बाकी गर्ल्स को कुछ अजीब से कपड़े पहनाकर बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर काफी सारी गर्ल्स की डेड बॉडीज भी पड़ी होती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में रेड का भाई एक कल्ट ग्रुप से होता है और वो ये सब किसी डीमन को खुश करने के लिए इस गर्ल्स का सेक्रीफाइस कर रहा होता है। वो एम्बर को इस जगह पर लिटा देता है और वहां पर वही मिस्टीरियस बॉक्स रखा होता है। तभी रेड का भाई उस बॉक्स को ओपन करके वहां से चला जाता है, पर तभी वहां पर एम्बर के अंकल आ जाते हैं और वो उसे वहां से बचाने लगते हैं। अब वो दोनों एक डार्क रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एम्बर को उसकी बीमार मॉम दिखाई देती है। मेन बात ये थी कि आखिर एम्बर के अंकल वहां आए कैसे, क्योंकि वो तो मर चुके थे, बट ये सब सिर्फ एम्बर का इमेजिनेशन होता है जो उसे दिख रहा होता है, बट रियल में तो एम्बर उसी बेसमेंट में होती है। अब उस बॉक्स में से एक डीमन बाहर आने लगता है जो कि दिखने में किसी बटरफ्लाई जैसा होता है। अब एम्बर अपने ड्रीम से होश में आ जाती है और वो वहां से बचकर उस प्राइवेट रूम में चली जाती है एंड वहां से वो एक जोड़ को चुरा लेती है। अब वो रेड पर उससे हमला कर उसे इंजर्ड कर देती है एंड उसके बाद वो उसके भाई पर अटैक करती है, बट वो एम्बर को गिरा कर उसका पैर तोड़ देता है। एंड जब दूसरी लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है वो उसे बालकोनी से नीचे फेंक देता है, जिसके कारण वो मर जाती है। एंड अब वो एम्बर को मारने लगता है, बट तभी एम्बर एक ब्लेड से उसका थ्रोट काट देती है एंड उसी जोर से उसे भी मार देती है। अब एम्बर रेड को उस बेसमेंट में ले जाती है और वहां लेटा देती है। तभी उस बॉक्स में से एक डीमन बाहर आता है और वो रेड के पूरे सिर को खा जाता है। अब एम्बर वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके इंजर्ड पैर ठीक हो चुका है, साथ ही उसकी चोट के निशान भी ठीक हो रहे हैं। ये देखकर एम्बर को काफी अजीब लगता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वो बॉक्स एक डिमोनिक बॉक्स होता है जो कि 1963 में रेड के फादर को मिला था एंड उसके बाद रेड का भाई उस बॉक्स के डीमन के काबू में हो जाता है और ये सब करने लगता है। बट जब एम्बर उसे मार देती है एंड रेड को ठीक उसी बॉक्स के डीमन को सेक्रीफाइस कर देती है, तो ये करते ही वो भी पजेस हो चुकी थी, यानी कि अब वो डीमन एम्बर से ये सब कुछ करवाएगा। यही रीजन है इस मूवी का नाम रखा गया है नो वन गेट्स आउट अलाइव, यानी कि कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं गया। इसी के साथ में मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के अंदर एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एक्सकेस्पिरेंस।